तो पैटी हो गया है कंप्लीट और इसे कर देते हैं बंद। और कहने को गर्मी है पर बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, क्या ही बताऊं। इसे ऐसे करो, कच्चा से उठाओ, ये इसकी शक्ल। मैंने पनीर काट के डाल दिया और ये बन चुका है। मुझे नहीं पता ये वीडियो में इतना ग्रीन ग्रीन क्यों आ रहा है, बट ये डार्क ग्रीन कलर का ही है, बट टेस्टी। मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, इसको यहाँ रख दिया, वो बॉक्स वहाँ रख दिया है। मुझे लगता है अगर ये ना हो तो पता नहीं बंदे कहाँ ही सामान रखेंगे घर में, क्योंकि घर में तो जगह है होती है। हो गया फोल्डर। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को अपना खुद का वेलकम कर रही हूँ कि मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, मतलब आई थिंक महीने से भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि बस ऐसे ही कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था तो मैंने नहीं बनाया, बट अब एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब मैं आज बना रही हूँ और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली हमारी जो बालकनी है जो आपने देखा वो अभी एकदम, मतलब जैसे आपने लास्ट टाइम भी देखी थी अगर आप मेरे व्लॉग देखते हो तो एकदम प्लेन ऐसे ही है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इधर प्लांट्स वगैरह रखूंगी जो मैं लेके आई हुई हूँ। ये तो खैर इंडोर वाले हैं, ये वाले आज मैं अपनी एक्चुअली बालकनी का मेकओवर करने वाली हूँ। मेकओवर मतलब कि अभी तो जैसे विंटर्स थे और यू नो स्नोफॉल वगैरह होता था तो कोई फ़ायदा नहीं है बाहर कुछ रखने का, तो बट अभी मैंने सोचा कि मैं बाहर प्लांट्स वगैरह रखूँगी, क्योंकि अभी अब तो बिल्कुल ही गर्मियाँ आ गई हैं। प्लांट्स वगैरह रखूँगी, थोड़ा चेयर्स वगैरह लगाऊँगी ताकि हम शाम में बैठ पाएँ, है ना, और हमारा इतना अच्छा व्यू है तो उसको इन्जॉय कर पाएँ। तो मैं प्लांट्स वगैरह मैं दिखाती हूँ। ऑलरेडी ले आई थी, पहले ही ले आई थी आज सुबह मैंने इनको, ये दूसरे वाले मेरे पास फ्लावर पॉट्स पड़े थे तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया था। और मैं ये ग्रास वाला मैट भी लेके आई हूँ तो मैं आज ये अच्छे से लगाऊंगी और देन इन प्लांट्स को भी बाहर रखूंगी। तो ये जो नीचे वाला प्लांट्स देख रहे हो ये जो है ये इंडोर प्लांट्स ही हैं। ये जब मैं इंडिया गए थे हम किस जनवरी में आ गए थे, बट जब हम गए थे तो फ्रेंड को मैंने रखने के लिए दिया था और उसके बाद मैं अब जाके उससे लेके आई हूँ, क्योंकि पहले विंटर्स थे तो फिर इसलिए नहीं लेके आई और अब मुझे था इतना टाइम हो गया था। और जब भी मैं सोचती थी जाने की तो कभी होता था कि वो नहीं है, वो बिजी है या हमें टाइम नहीं मिल पाता था, बट अब मैं जाके लेके आई हूँ। मैंने सोचा दिया, एक मेरे पास ये है एंड मेरे पास एक ही स्नेक प्लांट भी था तो ये भी मैं ले आई हूँ और ये काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो अभी ये बालकनी को अच्छे से सेटअप करूँगी और दूसरा मुझे लंच बनाना है तो पहले मैं सोचूँ कि मैं फटाफट लंच बना दूँ, क्योंकि मैं पालक पनीर बनाने का सोच रही थी और मैंने सब कुछ तैयारी सोच के आ रही थी, मैं तो बना ही रही थी, मतलब मैंने सब तैयारी करके रख दी थी। तो फिर मुझे लगा मैं बालकनी सेटअप करूँ, फिर मुझे लगा नहीं पहले बना के खाना साइड कर देती हूँ, एटलीस्ट मेरा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं बालकनी को सेटअप करती हूँ। तो पहले मैं बनाती हूँ फटाफट पालक पनीर एंड देन बालकनी का मेकओवर करते हैं। तो चलो अभी बनाते हैं फटाफट लंच। मैंने पालक पनीर, मतलब मैंने इसमें दूध डाला है, एक्चुअली ये कैमरे में ज़्यादा ही हरा हरा आ रहा है, इतना ये है नहीं, मतलब ये डार्क ग्रीन है बट ये कैमरे में ऐसे एकदम लाइट ग्रीन आ रहा है। पर मैंने इसमें दूध भी डाला है और अभी इसको मैं बस पकाने के लिए रख देती हूँ, इसको टाइम लगेगा और तब तक हम करते हैं अपना बालकनी का काम, तब तक ये पक जाए।
करते हैं अपना बालकनी का काम, तब तक मेरा पालक बन जाएगा। और सबसे पहले लेते हैं झाड़ू, सबसे पहले निकालते हैं झाड़ू और लगाते हैं झाड़ू, एंड देन फिर मैं उन मैट्स को बिछाऊंगी झाड़ू लगाने के बाद। तो करती हूँ शुरू। और मैंने ग्रास तो लगा दिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ग्रास को पूरा इस साइड कर दूँ या फिर सेंटर में कर दूँ या उस साइड कर दूँ। अभी मैंने सेंटर में कर रखा है। मैंने उस साइड करके देखा बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेंटर में ही करना चाहिए। तो गाइस मैं बाहर ग्रास मैट बिछा रही थी और उसमें झाड़ू लगाया, ग्रास मैट बिछाया तो टाइम लग गया। मुझे याद आया शिट, मेरे तो पनीर भी रखा है। फिर अब मैंने देखा तो पनीर बन चुका है और मैंने उसमें पनीर भी डाल दिया काट के। और ये रही इसकी शक्ल, मैंने पनीर काट के डाल दिया और ये बन चुका है, बट टेस्टी बना। तल नमक थोड़ा कम था तो मैंने नमक डाल दिया था। तो ढक देते हैं क्योंकि ये बन गया है और अब लगाते हैं प्लांट्स बाहर। मेरे पास एक प्लांटर क्या एक लैडर पड़ा है, आपने चाहे मेरे पिछले बॉक्स में देखा होगा, तो मैंने सोचा कि उसे मैं बाहर रख दूं इंस्टेड ऑफ अंदर रखने की वजह, तो मैंने वो खाली करके रखा हुआ है, मैं उसे लेके आता हूँ। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसे सेंटर में रखना चाहिए या फिर आप लोगों को लगता है ये वहाँ कॉर्नर पे अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब मैं लगाती हूँ चेयर्स बाहर। आई थिंक अब सही लग रहा है, अभी टेबल भी आएगा तो ये सही हो जाएगा। और ये जो चेयर्स हैं ये एक्चुअली मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर्स थी, मेरे पास दो ही चेयर्स थी। तो फिर अब मैंने एक्चुअली नई चेयर्स ली हैं, मतलब चार चेयर्स ली हैं, तो ये जो पुरानी चेयर्स थी तो मेरे को लगा ये बाहर काम आ जाएगी, तो ये इसलिए मैंने बाहर रख दिया है। तो ये अच्छी लग रही है। और अभी मेरे पास एक दो चीज़ें और हैं, बस ये कछुआ है तो मैं ये सोच रही हूँ मैं इसे बाहर रख देती हूँ। चीज़ें ये भी हैं, ये मेरे वो बहुत पहले की रखी हुई है, मैंने पहले अंदर रखी हुई थी, इस लेडर पे ही रखा हुआ था, बट फिर ये लेडर खाली किया तो ये चीज़ों को मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ रखूँ। तो मैं यहाँ रख देती हूँ इसे यहाँ रख देती हूँ, इसको यहाँ रख देती हूँ, सही लग रहा है। तो पैटी हो गया है कम्प्लीट और इसे कर देते हैं बंद। और कहने को गर्मी है पर बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, क्या ही बताऊँ। और ये रखते हैं स्लीपर्स और झाड़ू जगह पे। तो बालकनी हो गई है सेटअप ओके। और अब मैं कर रही हूँ ये जो सॉफ्ट टॉयज हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और दो तीन और थोड़े बहुत और थे छोटे छोटे जो मैंने इसमें पैक कर दिए हैं, क्योंकि ये ना एक्चुअली मैंने सोफे पे रखे हुए थे और ये कभी इधर गिरते थे कभी उधर गिरते थे, तो मैं सोच रही हूँ इनको पैक करके ना नीचे स्टोरेज में रखा हूँ। तो दोनों को पैक करके, और ये भी एक डब्बा है इसको भी, और इन दोनों को इसमें डाल के स्टोरेज में रख के आती हूँ। सारे सामान को नीचे रख के आती हूँ
ओके इसे रखने से पहले कूड़ा फेंक के आती हूँ, कूड़ा मैंने पैक करके एक्चुअली गेट पे रखा हुआ है और मैं भूल गई, खाना बनाने लग गई थी, पहले जाती हूँ, पहले जाके कूड़ा फेंक के आती हूँ। ये मैंने गेट पे रखा हुआ था पैक करके कूड़ा फेंक दिया। और ये जो आपने देखा ना, ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको कूड़े की गाड़ी का वेट करना पड़ेगा या आपको भैया का वेट करना पड़ेगा और कूड़ा फेंकना पड़ेगा और वो नहीं आए तो कूड़ा फेंकता है। यहाँ पे सही है, आप जब मर्जी चाहे कूड़ा फेंक सकते हो। बस इसमें यह है कि रिसाइकिल वाला रिसाइकिल में जाना चाहिए और गार्बेज वाला गार्बेज में। और अब जाती हूँ नीचे और रख के आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि जैसे कॉन्डोज में स्पेस तो होता नहीं है, मतलब अंदर स्टोरेज स्पेस बेसिकली, तो अंदर नीचे कॉमन लॉकर रूम होते हैं, मतलब अलग 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 हर एक यूनिट के साथ एक लॉकर रूम दिया होता है स्टोरेज के लिए, तो उसमें सामान रख दो आप अपना। तो चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है स्टोरेज एरिया, इसमें हर किसी हर एक यूनिट का अलग अलग स्टोरेज एरिया, लोगों ने सामान रखा। और ये है हमारा जो डब्बों से और हमारे सूटकेस से भरा पड़ा है, इसको खोलती हूँ। मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, इसको यहाँ रख दिया, वो बॉक्स वहाँ रख दिया है। मुझे लगता है अगर ये ना हो तो पता नहीं बंदे कहाँ ही सामान रखेंगे घर में, क्योंकि घर में तो जगह रहती है। ये था स्टोरेज एरिया, ये सारे यूनिट्स के यहाँ पे लॉकर है जो एक हर एक यूनिट के साथ आता है, ताकि आप एक्स्ट्रा सामान या जो आपको ऑब्वियसली से सूटकेस है हमारे को सारे यही है, उसमें से अभी सर्दियों के कपड़े रखे हैं, अभी गर्मी आएंगे तो गर्मी में कपड़े हम वहाँ रख लेंगे, तो इसलिए चलते हैं ऊपर। पहले सामान रख दिया है और अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं बनाती हूँ फटाफट रोटी और करती हूँ लंच और मिलती हूँ आपसे लंच करके। और मैं और शायद आज हम पार्थ और असी से घर पे जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पालक पनीर उनके लिए अलग से निकाल लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। A few moments later. तो गैस लंच वगैरह हो गया था और अभी हम जा रहे हैं सीजन पार्क पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ काम है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, तो बस अभी निकलने ही लगे हैं और बस निकलती हूँ एंड मिलती हूँ उनसे उनके घर पहुँच के आपसे। तो गैस हम आ गए थे सीजन पार्क के घर, बट वो घर पे है नहीं, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि उन्होंने हमें मॉल पर बुलाया था क्योंकि वो किसी काम से बाहर थे, तो हम भी वहीं गए, फिर हम वहाँ मिले, वहाँ पर उन्होंने कुछ लेना था तो उन्होंने लिया, फिर हम निकले घर के लिए, हम पहुँच गए, वो अभी तक नहीं आए, हम वेट कर रहे हैं उनका, तो शायद वो आ गए हैं, नहीं वो नहीं आए हैं, तो बस जैसे ही आते हैं अंदर जाते हैं, थोड़ी देर बैठे ही कुछ काम है और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो हम आए थे और हम थोड़ी देर बैठे, हमने बातें वगैरह की और फिर हमने सोचा करते हैं बारबेक्यू को असेंबल, और मुझे तो ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो हम यहाँ करें बारबेक्यू का। हो गया बुरे हाल है भाई, बुरे यार, इतना मैंने गाइड किया, दिमाग खराब किया। तो बारबेक्यू के बाद हमने सोचा ये टेबल को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट रेडी था, जस्ट इसकी लेग्स लगानी थी, तो बस लेग्स लगा रहे थे एंड ये हो गया रेडी। खोलते मत, इसे ऐसे करो, कच्चा से उठाओ, ऐसे ना काम करो, खाना खाओ, ये उस वाले से ज्यादा आगे है और ये सॉलिड भी है, उसको ना वापस डालने के लिए थोड़ा सा हिलाना पड़ता था। A few moments later.
तो गाइस अब मैं पहुंच गई हूँ घर, और जैसे आपने देखा मुझे घर गए थे और कुछ काम भी था, और दूसरा फिर वो सामान ऐसे ग्रिल उसको असेंबल वगैरह किया, टेबल को किया, तो बस वो सब किया था। उसके बाद हमने किया डिनर, और डिनर करके हम निकल गए घर को, और हम पहुंच गए घर, और अब आ रही है नींद क्योंकि ऑलरेडी बज गए हैं 12। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, उसका नाम है दिल्ली वाली इन कैनेडा। तो तब तक के लिए बाय।